बारे में पढ़ा था कि वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। वायु में अवांछनीय गैसों और पदार्थों के मिल जाने से वायु प्रदूषित हो जाती है। अवांछनीय गैसें कौन सी होती हैं? जो कि हम स्वचालित वाहन है, वाहनों से निकलने वाले धुएं से क्या करते हैं, कई विषैली गैसें निकलती है जो वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे वायु क्या होती है, जिससे वायु प्रदूषित हो जाती है। हमारे वायुमंडल में वायु के मिश्रण में 78% नाइट्रोजन तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। देखिए 78% भाग हमारी क्या है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का। अब वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर जो गैस या आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर क्या गैसों का आवरण होता है उसे वायुमंडल कहते हैं। उस वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? 78% नाइट्रोजन गैस है तथा लगभग 21% ऑक्सीजन है। कितने प्रतिशत ऑक्सीजन है? 21% ऑक्सीजन है तथा 1%, सबसे कम 1% मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, मीथेन तथा जल वाष्प उपस्थित है। और सबसे ज्यादा गैस कौन सी है वायुमंडल में? नाइट्रोजन। 78% नाइट्रोजन है और 21% ऑक्सीजन। अन्य गैसों का मिश्रण 1% है या इससे कम है। वायु प्रदूषण किन कारणों से होती है? वायु प्रदूषण होने से हमें सांस की बीमारी हो जाती है, क्योंकि ये और हमारे रुधिर में मिल करके हमारे ऑक्सीजन जो हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं उसकी क्षमता को घटा देती है। वायु प्रदूषण किन कारणों से होता है? उद्योगों और स्वचालित वाहनों से निकले धुएं का वायु में मिल जाना, इससे वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। आपने देखा होगा कई उद्योग हैं, फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, उनसे धुआं निकलता है जो कि आसपास के वातावरण को में मिल जाता है और उसको प्रदूषित कर देता है। स्वचालित वाहनों से निकले धुआं, स्वचालित वाहनों से जो वाहन चलते हैं उनसे क्या जो धुआं निकलता है वह भी हानिकारक होता है। वह हमें तो नुकसान पहुँचाता ही है, साथ में अन्य सजीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। जैसे आपने देखा होगा जीव जंतु और पेड़ पौधे हैं, उनको भी ऐसे वायुमंडल में रहने से क्या होती है, कई बीमारियां हो जाती है, उनके लिए भी वायुमंडल का वायु का प्रभाव पड़ता है। तो उद्योगों व स्वचालित वाहनों से निकले धुएं का वायु में मिल जाना जाने से वायुमंडल प्रदूषित हो जाता है। जब वायु अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित हो जाती है तो इसका प्रभाव सजीव व निर्जीव भी, मैंने बताया था इसका प्रभाव किस पर, दोनों पे पड़ता है, सजीवों पे भी पड़ता है और निर्जीव पर भी पड़ता है, दोनों के लिए हानिकारक होता है। तो जब वायु प्रदूषित हो जाती है तो उसका प्रभाव सजीव पर भी पड़ता है, निर्जीव पर भी पड़ता है। जैसे मैंने बताया था कल आपको उदाहरण दिया था, संगमरमर का बना हुआ है आगरा में ताजमहल, संगमरमर का बना हुआ है तो वो भी क्या है, अब वो पीला दिखने लगा है, वो किस लिए, वायुमंडल में हमें गैसें हैं, वायु हमारी क्या हो गई है, प्रदूषित हो गई है, जो गैसें हैं वो उसका धुआं क्या होता है उसके ऊपर जम रहा है। अब वायु कैसे प्रदूषित होती है? जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषक किससे कहते हैं? जो हमारे वायु को प्रभावित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषक कहते हैं। कौन कौन से प्रभावित करते हैं? सबसे पहले ज्वालामुखी का फटना। जब ज्वालामुखी फटता है तो उसमें से कई विषैली गैसें निकलती हैं जो कि वातावरण को प्रदूषित कर देती है। वनों में लगने वाली आग, जब वनों में आग लगती है उससे धुआं हो जाता है चारों तरफ और सारा वातावरण प्रदूषित हो जाता है, क्योंकि वो वायु क्या धुआं वायुमंडल में मिल जाता है। फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, विद्युत संयंत्र
जलायन लकड़ी, जब हम लकड़ी जलाते हैं उससे भी धुआं निकलता है, उसमें कई विषैले तत्व होते हैं जिससे हमें सांस की बीमारी हो जाती है। स्वचालित वाहन, उपलों से निकला धुआं, इन सबसे भी वायु प्रदूषित होती है। वाहनों से कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है। कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड व अन्य विषैली गैसें धुएं से उत्पन्न होती है। धुएं से कौन कौन सी गैसें उत्पन्न होती हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये गैसें उत्पन्न होती है जो कि सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही हानिकारक होती हैं। यह रुधिर में ऑक्सीजन की क्षमता को घटाती है। हम जब सांस लेते हैं तो यहाँ हमारे ये गैसें हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब रुधिर में मिल जाती है ऑक्सीजन की क्षमता को घटा देती है, इससे हमें क्या होती है, सांस की बीमारी हो जाती है।